नमस्ते और ओम शांति आप सब श्रोताओं को आपको स्वागत है आपके ही चैनल पर। यूट्यूब का चैनल है ये जिसको कहते हैं सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन, आत्मा को पहचाने आत्मा ही सत्य है भीतर। तो इस चैनल पर जाने के लिए जो लोग नए हैं फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनके लिए लिंक दिया गया है। अगर आप इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं या अगर आप फेसबुक पर सुन रहे हैं उस लिंक पर क्लिक करिए और वहाँ पर जाकर के वीडियोज के साइड में प्ले लिस्ट पर जाइए, जहाँ पर जाकर के आप सारे डिफरेंट टॉपिक्स, सिर्फ वरदान ही नहीं, पिछले वरदान तो आप देख ही सकते हैं लेकिन साथ साथ योग आसन, डाइट प्लान, चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज करना वर्क फ्रॉम होम के टाइम पर या अपने ऑफिस में भी, साथ ही साथ आपके लिए रिलेशनशिप्स, डिप्रेशन, बहुत सारे टॉपिक्स जो आप अपने लिए भी या औरों के लिए भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप आगे बढ़ते रहें इस यात्रा पर, यही मेरी शुभकामना है। और अब चलते हैं 228वें दिन के ईश्वरी वरदान पे। परमपिता परमात्मा कहते क्या चेक करते हैं। बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भवा। हम अपनी श्रेष्ठता के द्वारा हम न्यूनेस लाएं, नवीनता लाएं, लोगों को महसूस हो कि इस कलयुग में जब चारों तरफ जब आपकी प्रोग्रेस दिख रही है हमें कि आपको माया खींच रही है, आपको धन संपत्ति या साधन या टेक्नोलॉजी आपको खींच रही है, लेकिन उस समय भी आप एक साधारण जीवन जी सकते हैं और परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं, आप भ्रष्टाचार से दूर, आप सदाचार में जी सकते हैं। परमात्मा यही चाहते हैं, वो नवीनता चाहते हैं। देखें और परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। समय प्रमाण और समीपता के प्रमाण, किस चीज के समीप आ रहे हैं हम? कलयुग के अंत के समीप और सत्युग के आदि के समीप, मतलब सत्युग शुरुआत होने वाली है और कलयुग अंत होने वाला है, ये समीपता आने वाली है। तो परमात्मा चाहते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी सेवा के तरीके भी अलग होते जाएं, हम शक्तियां दिखाएं औरों को। कौन सी शक्ति? बाहुबल वाली नहीं, मनसा शक्ति, मन का बल। जब जहां जिस सिचुएशन में लोग हाई हाई करते हैं आप वहां वाह वाह करें, जिस सिचुएशन में लोग अहंकारी हो जाते हैं वहां पे आप नम्र हो जाएं, जिस सिचुएशन में लोग गलत कर्म करने शुरू कर देते हैं, लोभ में आ जाते हैं और उससे बदला लेते हैं, वहाँ पर आप नम्रचित होकर के दुआएं देने वाले बने। परमात्मा चाहते हैं कि हम इसके द्वारा ही प्रत्यक्ष कर पाए परमपिता परमात्मा को। आज इंसान तो भगवान का नाम लेता है लेकिन अंदर ही उसके कितनी कमियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं उसी को पता है, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि हम आत्माएं उन कमी कमजोरी को हटाएं और परमात्मा का नाम भी लेते रहें, तब जाकर के परमात्मा हैं लोग मानेंगे। अभी तो परमात्मा कहीं हैं लेकिन उनकी झलक क्या है? परमात्मा कहते हैं मैं तो धरती पर आकर के शरीर धारण करके तुम्हें ज्ञान देता हूँ लेकिन मैं पैदा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम बच्चों को मैं सिखा करके तुम्हें मेरा स्वरूप बना करके अपने आप को प्रत्यक्ष करता हूँ। सत्यता से ही चलना जरूरी है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष किया है ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। स्नेह तो दिया, सहयोग भी दिया औरों को, लेकिन अब शक्ति रूप का आप क्या कराओ? शक्ति रूप का अनुभव कराओ कि किसी भी सिचुएशन में आप शक्तिशाली रह सकते हो। आप हाय हाय त्राही त्राही करने की जगह आप उसको सॉल्व कर सकते हो, यह शक्ति रूप। ये तो परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ही मिल सकता है। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। कौन सी श्रेष्ठता? जब और लोग आपको देखेंगे कि आप हर सिचुएशन में, हर बात में आप सेल्फ कंट्रोल में हैं, आप सही दिशा में हैं, भ्रष्टाचार की जगह श्रेष्ठाचारी हैं, आप गुणों को, शक्ति को इस्तेमाल करने वाले हैं ना कि अवगुणों को अपनाने वाले, तब जाके परमात्मा कहते हैं तब जाके प्रत्यक्षता होगी, तब जाके लोग मानेंगे कि हाँ भगवान सच्ची में है कलयुग के अंत में भी। तो इस दुख की दुनिया में भी एक किरण है आशा की जो कि है सच्ची में। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। तो हम ही परमात्मा के बच्चे हैं, एक बच्चा ही होता है जो कि अपने पिता का एक अंश कहते हैं, वंश कहते हैं। बच्चा जैसे करता है उसके हिसाब से उसके परिवार के माता पिता की, उसकी बोलते हैं ना कि भगवान की भी अगर आप नाक रखना चाहो, उनकी इज्जत रखना चाहो तो कर्मों से करो, वैसे अपने माता पिता की भी हम अपनी इज्जत जो है उनकी वो भी हम अपने कर्मों से ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो यहाँ भी परमात्मा चाहता है कि हम भी
परमपिता परमात्मा निराकार आत्मा के मात पिता का भी हम साक्षात्कार कैसे कराएं, लोग पहचाने उनको हमारे द्वारा, बच्चे के द्वारा। तो ये परमात्मा की सबसे ऊंची इच्छा है, श्रेष्ठ इच्छा है, इसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। तो इसको करते कैसे हैं पूरा, उसको आप आके सीख सकते हैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जो कि 150 देशों में है। जहाँ भी जाएंगे निःशुल्क फ्री में आपको सिखाया जाएगा इस यूनिवर्सिटी में मेडिटेशन और परमात्मा के गुणों को कैसे अपनाना, और चैलेंजिंग सिचुएशंस में जो होती हैं, आती हैं, हर किसी को आती हैं हर दिन, उनको कैसे सामना करना और उनमें से निकलना कैसे। तो आज का ये ईश्वरी वरदान आपके लिए, आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।